पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं, जो गांधी फैमिली के लिए परेशानी की वजह बनते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर नया बम फोड़ दिया है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की मांग करते हुए कहा है कि वो आखिरी सांस तक घर की कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो घर की कांग्रेस के विपरीत सबकी कांग्रेस चाहते हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक सबकी कांग्रेस के लिए लड़ूंगा। इस सबकी कांग्रेस का अर्थ है भारत में उन सभी लोगों को एक साथ लाना जो भाजपा नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि ए बी या सी के बिना कोई कांग्रेस नहीं हो सकती। जाहिर है उनका मानना है कि सबकी कांग्रेस घर की कांग्रेस के बिना नहीं टिक सकती, यही चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी वास्तविक अध्यक्ष हैं जो सभी फैसले लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा कि अब समय आ गया है कि गांधी परिवार के नेतृत्व से हटकर दूसरों को मौका दिया जाए। उन्होंने कहा गांधी परिवार को स्वेच्छा से दूर जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा नामित निकाय उन्हें कभी नहीं बताएगा कि उन्हें सत्ता की बागडोर नहीं संभालनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि CWC के बाहर भी एक कांग्रेस है, कृपया उनके विचारों को सुने। यदि आप चाहें तो हमारे जैसे बहुत से नेता जो CWC में नहीं है लेकिन कांग्रेस में एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है, क्या इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम CWC में नहीं हैं। वहीं जब कपिल सिब्बल के घर की कांग्रेस वाले बयान पर राहुल गांधी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो सवालों पर टिप्पणी करने से बचते दिखे। सर कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस या घर की कांग्रेस। सर कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस या घर की कांग्रेस। बता दें कि कपिल सिब्बल G23 का भी हिस्सा है, जिन्होंने कांग्रेस में बदलाव की मांग की थी। चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में G23 फिर एक्टिव हो गया था। इसमें नए अध्यक्ष की मांग पर गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक भी हो चुकी है।